बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 10 जो हज़रत उमर वाला हमने स्टार्ट किया हुआ था उसकी पैराग्राफ नंबर 3 से आज ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। हज़रत उमर गेव ग्रेट इम्पोर्टेंस, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे टू जस्टिस, इंसाफ को एंड वेल बींग ऑफ द पीपल, और लोगों की फलाह बहबूद को। वेल बींग मीन्स फलाह बहबूद ऑफ द पीपल, अवाम की। हज़रत उमर अवाम की फलाह बहबूद को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन द केस ऑफ जजमेंट, ही वो रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत सख्त गिर थे इन द केस ऑफ जजमेंट, इंसाफ के मामले में। ही रज़ी अल्लाह अन्हु वुड नॉट स्पेयर एनीवन, आप वो किसी को नहीं छोड़ते थे, नॉट इवन हिज ओन सन, हत्ता कि अपने बेटे को भी नहीं। इफ़ रॉन्ग वाज कमिटेड बाय हिम, अगर उससे गलती सरजद हो जाती तो उसे भी नहीं छोड़ते थे। फॉर हिम, उनके नज़दीक हाई एंड लो, अदना और आला, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, वर ऑल इक्वल बिफोर ला, वर ऑल सब के सब इक्वल बराबर थे बिफोर ला, कानून के सामने सब के सब बराबर थे। ही रज़ी अल्लाह अन्हु फॉलोड द सेइंग ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की पैरवी की, ट्रीट योर सर्वेंट, अपने गुलाम के साथ सलूक करो, अपने मुलाजिम के साथ सलूक करो ऐसा, एज़ यू वुड, जैसा कि तुम चाहते हो, ट्रीट योर सेल्फ, के तुम्हारे साथ किया जाए। मास्टर एंड सर्वेंट, आका और गुलाम, आर बोथ इक्वल बिफोर अल्लाह, अल्लाह के सामने दोनों बराबर हैं। द वर्शिप प्लेसेस, इबादत गाहें एंड प्रॉपर्टी और जायदाद ऑफ द नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिमों की, वर गिवन प्रोटेक्शन, को तहफ़ फ्राहम किया गया। गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों और जायदादों को तहफ़ फ्राहम किया गया। हज़रत उमर वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक, हज़रत उमर वाज काइंड, रहम दिल थे एंड सिंपैथेटिक, और हमदर्द थे टू द पुअर, गरीबों के लिए। हज़रत उमर गरीबों के साथ हमदर्द और रहम दिल थे। ही स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट्स, आपने बहुत सारी रातें बगैर सोए गुजारी, रोमिंग गश्त करते हुए, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, टू सी, देखने के लिए, द कंडीशंस, हालात को, ऑफ हिज पीपल, अपने आवाम के हालात को देखने के लिए, आपने बहुत सी रातें गलियों में गश्त करते हुए जा कर गुजारी। वन नाइट, एक रात, ही पास्ड बाय अ हाउस, एक रात वो एक घर के करीब से गुजरे, एंड हर्ट, और सुना, चिल्ड्रन क्राइंग, बच्चों को रोते हुए सुना, देयर वाज अ पॉट ऑफ वाटर, एक पानी का बर्तन था, ऑन द फायर, चूल्हे पर रखा हुआ था, आग पर रखा हुआ, वहाँ एक आग पर रखा हुआ पानी का बर्तन था। द मदर वाज टेलिंग, माँ कह रही थी द चिल्ड्रन, बच्चों को, टू गो टू स्लीप, के वो सो जाएं, एंड व्हेन द फूड वाज रेडी, और जब खाना तैयार हो जाएगा, शी वुड वेक देम अप, तो वो उन्हें जगा देगी, बट द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चे, बट द चिल्ड्रन वुड नॉट लिसन, लेकिन बच्चे उसकी बात नहीं मान रहे थे। हज़रत उमर आस्ट, हज़रत उमर ने पूछा द वुमेन, उस औरत से, व्हाट इज़ द मैटर, कि क्या मसला है। शी टोल्ड हिम, उसने आपको बताया, दैट देर वॉज नथिंग टू ईट, के खाने को कुछ नहीं, के उसके पास खाने को कुछ नहीं, देर वॉज नो मनी, कोई पैसा नहीं, एंड नो ग्रेन, और ना ही कोई अनाज था, इन द हाउस, घर में ना कोई पैसा और ना ही कोई अनाज था। हर हस्बैंड, उसका शोहर, हैड डाइड, मर चुका था या फिर वफात पा गया था। द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, बच्चे खाने के लिए रो रहे थे। ही रज़ी अल्लाह अन्हु हेल्प, आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदद फरमाई, द विडो, बेवा की, विद फूड, खाने से, मनी, पैसों, एंड क्लोथिंग, और कपड़ों से, आपने उसकी खाने, पैसों और कपड़ों से उस बेवा की मदद की। वन डे, एक दिन, वाइल हज़रत उमर वाज सेइंग हिज नमाज, जब हज़रत उमर अपनी नमाज अदा कर रहे थे, इन द मस्जिद में, अ नॉन मुस्लिम, एक गैर मुस्लिम, नेम्ड फेरोज़ नामी एक गैर मुस्लिम ने, किल्ड द कैलिफ, खलीफा को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, विद अ नाइफ, चाकू से, खंजर से शहीद कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लाइज बुरिड, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दफन है नियर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के नज़दीक, एंड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब, इन मदीना में। आप
हज़रत उमर रज़ीला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के करीब मदीना में मदफून हैं। वाई वॉज द चिल्ड्रन क्राइंग? द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड। ठीक है, इसका आप आंसर करेंगे द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड। यहाँ से आप करें द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, ये आपका बॉक्स क्वेश्चन होगा। यहाँ से द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड। नेक्स्ट आपका है हाउ डिड हज़रत उमर हेल्प द वुमेन? ही हेल्प द वुमेन। यहाँ से आप नेक्स्ट बॉक्स क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे। ही हेल्प द वुमेन विद फूड मनी एंड क्लोदिंग्स। ठीक है, यहाँ तक आप इसके सेकेंड बॉक्स क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ये आपके दोनों बॉक्स क्वेश्चन होंगे और साथ में आपका तीनों पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। अल्लाह हाफिज़, टिल टुमारो, अपना बहुत सा